हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से आज का मेरा टॉपिक है फाइल ओपनिंग मोड्स। कौन कौन से ओपनिंग मोड्स होते हैं C++ में और वो हम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन देता रहेगा। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। तो चलो हम देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले फाइल्स क्या होती है वो हम देखते हैं। तो फाइल्स जो होती है वो हमें डेटा स्टोर करने में मदद करती है, जिस पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उस ऑपरेशन को जो हम मैनेज करते हैं उस मैकेनिज्म को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। क्योंकि अगर हमें डेटा स्टोर करना है उसका मतलब हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी, स्टोर करना है मतलब कि डेटा हमें राइट करना पड़ेगा, राइट करने के बाद वो हम एक्सेस करेंगे रीड फंक्शन यूज करके, और उसके बाद हम क्लोज भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो ये सारे ऑपरेशंस जो है हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के साथ हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू आपका फाइल हैंडलिंग की हमें यहाँ पे क्या करना है। पर ये हमें करने के लिए स्ट्रीम क्लास की जरूरत पड़ती है। ये जो स्ट्रीम क्लास होता है वो हमें वही इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। अभी इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हो, जिसका मैं शॉर्टकट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलो अभी हम मूव होते हैं अगले पॉइंट पे, जो है कि फाइल पॉइंटर। क्योंकि फाइल पॉइंटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जहां तक कि हमें डिफरेंट ओपनिंग मोड्स का सवाल है। तो ये फाइल पॉइंटर क्या होता है? तो ये फाइल पॉइंटर जो होता है वो हर एक फाइल जो कि हम ओपन करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए है, तो उसके साथ ये फाइल पॉइंटर भी मेंटेन होता है। क्योंकि ये जो फाइल पॉइंटर है वो हमेशा कर्सर पोजिशन का ट्रैक रखता है, जो कि अभी करंट पोजीशन है कर्सर का अभी ओपन किए हुए फाइल का, वो फाइल पॉइंटर में ही सेव होता है। तो फाइल पॉइंटर के साथ ही हम ये सारी ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपको अगर रीडिंग और राइटिंग पर्पज के लिए फाइल ओपन करनी है, वो ओपन करने के बाद आपको फाइल पॉइंटर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो अगली पोजीशन पे मूव होता है। जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे, राइट करते जाओगे, ये फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पोजीशन पे मूव होता रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि ओपन फाइल कैसे करते हैं। क्योंकि ओपनिंग मोड्स अगर है, फाइल ओपनिंग मोड्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन फाइल का सिंटैक्स पता होना जरूरी है। ये जो ओपन फाइल का सिंटैक्स यहाँ पे है, वो सिंटैक्स यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, जिसपे ये ओपन फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन है ये वाली स्ट्रीम का, एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम का। ये सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो ये हो गया आपका ओपन फंक्शन, जिसपे हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर है जो कि आपके फाइल का नाम होगा और उसके लोकेशन के साथ होगा, और जो दूसरा पैरामीटर है वो ही आपका है ओपनिंग मोड, जो भी मैं आपको ओपन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मुझे राइट मोड में करना है तो हमें क्या करना होगा। तो ये हो गया, अगर हमारा राइट मोड में हमें ओपन करना है तो सबसे पहले हम तो फाइल नेम दे देंगे, उसके बाद दूसरा वाला पैरामीटर हमारा रहेगा वो रहेगा आउट मोड, जो कि हम राइट राइटिंग के लिए यूज करेंगे। ये मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लो कि आउट फाइल, ये हो गया आपका फाइल पॉइंटर ओएफ स्ट्रीम का, और ओएफ स्ट्रीम जो है आपका क्लास, उसका ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा हम यूज करने वाले एज अ फाइल पॉइंटर,
और वही फाइल पॉइंटर हम यूज करेंगे टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन ऑफ द ओएफ स्ट्रीम, विच इज द फंक्शन इज नथिंग बट द ओपन फंक्शन. तो अगर मुझे एक से ज्यादा मोड यहाँ पे यूज करने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे ओरिंग के साथ कर सकती हूँ. जैसे कि एग्जाम्पल मुझे रीड और राइटिंग बोथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए मुझे ये सिंटैक्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो ये इन क्या होता है, आउट क्या होता है, ये मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहां पे मैं आपको ओपनिंग मोड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो ये सारे हो गए आपके मोड्स, ये हो गए ये किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं और इसका मीनिंग क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो सबसे पहला मोड है इन मोड, जो स्टैंड करता है इनपुट के लिए. मेनली हम रीडिंग पर्पज के लिए ये मोड ओपन करते हैं और यूज करते हैं. रीडिंग है इसलिए ये इनपुट स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है. तो हमें जो फाइल पॉइंटर बनाना है वो आईएफ स्ट्रीम क्लास का हमें वेरिएबल बनाना है. जो फाइल पॉइंटर होगा वो आईएफ स्ट्रीम से होगा. अभी यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब जहां तक रीडिंग का सवाल है इनपुट मोड में, तो आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए. अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, वो एरर मैसेज देगा. तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ही आपको यहाँ पे वो इन मोड में आप यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. अगर आपको फाइल आउटपुट के लिए, दैट इज राइटिंग के लिए अगर आपको यूज करनी है, तो आपको ओएफ स्ट्रीम का वेरिएबल और ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है. तो अगर मुझे आउटपुट के लिए, मतलब राइटिंग पर्पज के लिए फाइल ओपन करनी है, तो उसका मोड है आउट. आईओएस स्कोप रिजोल्यूशन आउट मोड हमें यहाँ पे यूज करना है. अभी आउट मोड जो है वो आउटपुट के लिए है, इसलिए हम जो फाइल पॉइंटर यूज करेंगे वो ओएफ स्ट्रीम क्लास का होगा, जो कि हम ओएफ स्ट्रीम क्लास का फाइल पॉइंटर वेरिएबल यूज करके हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे और उसमें हमारा सेकेंड पैरामीटर जो होगा वो आउट होगा, आईओएस स्कोप रिजोल्यूशन आउट. तो यहाँ पे आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और आप राइटिंग पर्पज के लिए आउट मोड के साथ यूज कर रहे हो, तो आपका प्रीवियस डेटा जो होता है वो वैनिश हो जाता है, वो नया फाइल एज अ ब्लैंक फाइल वो ओपन कर देता है. और अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो भी आप यहाँ पे आउट मोड यूज कर सकते हो. तो ये आउट मोड यूज करके आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, और अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा यहाँ पे आउट मोड में वैनिश हो जाता है. पर अगर आपको वो डेटा मेंटेन करना है और एट द एंड ऑफ द फाइल आपको नया डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास है अपेंड मोड, जो आपका थर्ड मोड है, एपीपी मोड. तो ये अपेंड में क्या करता है, तो एंड ऑफ फाइल में डेटा अपेंड कर देता है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है. तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डेटा जो है वो मेंटेन रहेगा और एट द एंड ऑफ द फाइल आप सिर्फ डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो. आपको अगर एंड ऑफ द फाइल के लिए मूव होना है तो उसके लिए अगला वाला मोड है एटीई. तो ये क्या होगा, जो आप फाइल ओपन करते हो ओपनिंग टाइम वो एट द एंड ऑफ द फाइल वो कर्सर सेट कर देगा. अगर आपको बाइनरी फाइल क्रिएट करनी है और बाइनरी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आपके पास है बाइनरी मोड, जो कि आपको बाइनरी फाइल ओपन करने में मदद करेगा. और अगर आपको कंटेंट ट्रंकेट करने हैं, उसके लिए आपके पास मोड है TRUNC, वो जो है वो है ट्रंकेट मोड. तो वो क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है एग्जिस्टिंग फाइल के कंटेंट और राइटिंग पर्पज के लिए वो फाइल ओपन कर देता है. तो ये सारे हो गए आपके ओपनिंग मोड्स. सो आई होप आपको ये सारे मोड समझ में आ गए हैं. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट देना ना भूलिए. यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे मैं इसी वीडियो सीरीज का अगला वाला वीडियो का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. So thank you friends, stay tuned with my channel Tech Talks, do subscribe my channel, thank you.